हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ या कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ तो देखते हैं कि ये रो और कॉलम, पूरी रो और पूरा कॉलम एक ही बार में हाईलाइट हो जाता है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पूरी रो और पूरा कॉलम हाईलाइट हो गया, एक पूरा कॉलम और एक पूरी रो हाईलाइट हो जाती है। फिर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पूरी रो और पूरी कॉलम एक ही बार में हाईलाइट हो जाती है। अब ये हुआ कैसे, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको ऑफ कर देता हूं, ये जो भी है एक्सेल ओपन है इसको मैं ऑफ करता हूं, हटा देता हूं। और अब हम वापस से एक्सेल को ओपन करते हैं, ठीक है। यहां पर एक्सेल को ओपन करता हूं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2007 ही ओपन कर लेता हूं। और अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो अब ये हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है। अब आखिरकार ऐसा किया क्या गया जिसकी वजह से ये हाईलाइट होने लगा, ठीक है, आइए देखते हैं। तो कोई भी एक जो है हम डेटा डेटा ओपन करेंगे, कोई एक पुराना डेटा जो बनाया हो उसी को ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक डेटा जो कि बना हो इसमें इस एक्सेल शीट में उसी को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक डेटा हमारे पास है, इसको ओपन करते हैं, ये यहाँ पे प्रोडक्ट करके है, इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं भी क्लिक करने पर कुछ भी हो नहीं रहा है, लेकिन अब जरूर होगा, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो है सबसे पहले तो आप किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या रो को सेलेक्ट कर लीजिए, या कहीं पर भी क्लिक रखिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं क्लिक रखता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम नंबर F है और रो नंबर 6 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि एक VBA कोड है, वो VBA कोड आपको लिखना होगा कहां पर, अपने एक्सेल के VBA जो कोड विंडो है वहां पर जाके लिखना होगा। तो कैसे करेंगे, तो Alt के साथ आपको क्या करना है, F11 प्रेस करना है, Alt और F11 जैसे ही प्रेस करते हैं ये विंडो ओपन होती है। अब हमें क्या करना है, हमें पूरे वर्कबुक पे नहीं लगाना, हमें वर्कशीट पे लगाना है ये चीज। तो ये वर्कशीट पे डबल क्लिक कर दीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर वर्कशीट रहना चाहिए ये, या फिर जनरल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर रहते हुए आपको ये कोड आपको लिखना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट सब वर्कशीट सिलेक्शन चेंज बाई वेल टारगेट एज रेंज, ठीक है, तो ये रेंज को पकड़ेगा। और फिर यहाँ पर डिम सेलेक्ट रो, फिर रो को भी तो करना है, फिर कॉलम को करना है, तो दोनों को करके और फिर यहाँ पर एक ये सेल्स डॉट इंटीरियर कोडिंग आप देख ही सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आता हूँ और अब मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सिलेक्शन में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन में आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन में आ जाता है। तो क्या ये अलग शीट पर भी होगा, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। कारण क्या है कि हमने वर्कबुक पे नहीं लगाया, वर्कशीट पे लगाया इसे, ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्कशीट पे ही काम करेगा। तो यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये जो है वर्क करेगा, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। और केवल VBA की मदद से किया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये VBA कोड चाहिए तो हमारी हमारे टेलीग्राम चैनल सूरज सर कंप्यूटर वाले सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर के, आपको मिल जाएगा और वहां से इस VBA कोड को आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।